हमारा राइट हैंड साइड में लोगो लॉन्च का एक पोडियम लगा हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो मूव करें, मैं आपके साथ मूव करता हूं। हुए उनका मैं नरसी वसानी मुबू टीवी का डायरेक्टर और मुबू टीवी की सभी टीम की तरफ से मैं आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तुम मेरे साथ एंकरिंग करोगी? सुबंधा, मेरा कल रात का सपना पूरा हो गया। क्या, क्या? कल रात को मुझे सपना आया ऐसे कि मैं किसी गधी के साथ खड़ा हूँ। क्या बात कर रहे हो? ओह गॉड, मुझे क्या सपना आया? हाँ? कि मैं किसी उल्लू के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, क्या बात है, मेरी गधी तो आ गई, तुम्हारा उल्लू कहाँ पर है? नहीं बताओ मुझे, कहीं तो होगा वो। खैर नहीं नहीं मजाक की बात है, सुगंधा मिश्रा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वी हैव बीन वर्किंग लास्ट सो मेनी। जिसके बारे में मैंने सुना था, एंड आई थिंक दैट्स वेरी एनकरेजिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द शो, बिकॉज वो ही शो मुझे यहाँ तक खींच के लाया। दिस शो इज नॉट अबाउट अ सेलिब्रिटी, दैट्स नॉट समथिंग अबाउट कि आप डे टू डे की सोशल लाइफ में क्या मैसेज दे रहे हो। दिस शो इज ऑल अबाउट अ हीरो, अ रियल लाइफ हीरो, जो दुनिया के लिए या लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना कुछ नुकसान कर लेते हैं, और वो जिंदगी भर उसी एक सोच में खुश रहते हैं कि मेरी इस तकलीफ़ की वजह से किसी और की ज़िंदगी बची या बहुत कुछ उनका अच्छा हुआ, लाइफ भर उनकी वो लोग याद रखेंगे। सो दीज काइंड ऑफ शोज हार्डली यू गेट टू सी, एंड आई एम रियली श्योर दैट के मूवू चैनल के जो व्यूवर्स है उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत स्टार व्यूवरशिप होगी शायद तक। आई वुड लव टू डू रियलिटी शोज, एंड आई थिंक वन ऑफ अ वेरी, मुझे टीवी के रियलिटी शोज बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू ओनली वन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड मैंने अब तक के सारे रियलिटी शोज कर दिए हैं। तो यस, समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड वेरी डिफरेंट इज कमिंग अप, आई वुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ इट। मेरी स्कूल की यादें बहुत ख़राब थी, मुझे नहीं याद करना है। सो व्हेन आई सॉ दिस, तो मैं अपने आप में ये सोच रही थी कि मैं बहुत गंदी दिखती थी स्कूल में, और मुझे लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वाज नॉट देयर। जैसे जैसे बड़ी हुई फिर मुझे ऐसे लगा कि दुनिया दूसरे तरफ से भी देखनी चाहिए, एंड देन आई रियलाइज दैट कि ओके, यू हैव टू ट्राई एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड आई थिंक दैट इम्पॉर्ट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, तो येस इट डज मैटर। दसवें फ्रेंडशिप डे भी आने वाला है और स्कूल की भी बात हो रही है, स्कूल में मतलब फ्रेंडशिप डे कितना एंजॉय करते थे आप? अगर उस शुरुआत में ही अवार्ड दे दिया, और इससे मुझे लगता है कि अवार्ड भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे, और हो सकता है कि नया शो भी दे देंगे, तो आप सब दुआ कीजिए। बहुत दिन से टी वी पर आया नहीं हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बिल्कुल करना चाहूँगा, और शो का नाम भी रखूँगा मुँह बू, मतलब मुँह बोली बातें, मुँह से बोली बातें, और ऐसे शो को आप सब पसंद करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। और इस शो का, इस चैनल का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि ये चैनल बहुत बड़ा बने। हाँ जी, मित्रों 2019 में मत रहो, सारे पत्रकारों को मुबो चैनल खुलने की खुशी में 2019 में एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। मित्रों मत रहो, भक्तजनों मुबो चैनल के तहत जल्दी ही नया शो लेकर आऊंगा, आप लोग मेरी सिफारिश कीजिए, क्योंकि आजकल सिफारिश का ज़माना है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग प्यार से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा।
सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो चुका हूँ, आपको पता ही है, सुनील पाल की चौपाल, ये मेरा यूट्यूब का चैनल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया जा रहा है, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी फिल्म आ रही है मेरी बिग बॉस, भारत में नहीं पूरी दुनिया में 65% महिलाएँ और पुरुष दोनों विग पहनते हैं, आपको पता ही होगा, और उसी पे आधारित फिल्म है बिग बॉस, जल्द आ रही है, उसकी शूटिंग चल रही है। राखी सावंत, उपासना सिंह, मास्टर गणेश आचार्य, मैं और बहुत सारे कॉमेडी कलाकार हैं, जल्द आएगी फिल्म बिग बॉस। आप पूछो आगे बॉस, सलमान खान सल्लू वो है, मैं कल्लू हूँ। और कोई सवाल? आप सवाल कम पूछते हो यार, आपके अंदर क्या अमिताभ बच्चन को जगाओ, 14 सवाल करो कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किशन के लिए मैं चाहता हूँ कि राधा मिले और ये शादी कर ले, बहुत सवाल करता है, शादी के बाद फिर सवाल करके दिखाना। तो फ्रेंडशिप दिन डे के दिन मैं चाहता हूँ कि इसे कोई फ्रेंडशिप करे, और फ्रेंडशिप दिन के लिए अभी से मुबारकबाद देता हूँ, आप सब मेरे फ्रेंड हैं, आप सबको फ्रेंडशिप डे बहुत मुबारक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू ऑल, वेरी वेरी प्लेजेंट इवनिंग। आप सब लोगों को इस शाम की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं यहाँ एक फंक्शन में आया हूँ और आज एक नया चैनल शुरू हो रहा है मूबू। बड़ी खुशी की बात होती है कि जब कोई नया चैनल आता है उसके अपने सपने होते हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे मेहनत भी होगी और अल्टीमेटली जाके वो अपना एक रंग लेकर आएगा। जहाँ तक रहा सवाल कि आज हमारा शो जो है क्रिएटिवा लिमिटेड का इश्क सुभान अल्लाह, वो वाकई ही ऊपर वाले की एक देन है, मेहरबानी है, एंड इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ द टीम। एक सुभान अल्लाह, आज बहुत खुशी की बात है कि आज ही उसका 100th एपिसोड अभी अभी टेलीकास्ट रात को 10 बजे हो रहा है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 10,000 घंटे बनाने के बाद भी क्रिएटिवा लिमिटेड हमेशा ही फील करती है, महसूस करती है कि इट्स ए न्यू डे, इट्स ए न्यू सन राइजिंग। और मैं हमेशा अपनी टीम को यही कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ करना है तो अपने दिमाग को संतुलित रखिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए। इन लाइफ यू हैव टू मार्च अहेड, यू डोंट हैव टू फील दैट यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ, बिकॉज हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आई कैन ओनली से ऑन टुडेज ओकेजन कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ मूबू टीवी को हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ मूबू टीवी को हैं। और मैं चाहूँगा कि भगवान करे कि जिस तरह से बहुत साल पहले हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, आज जो इनकी शुरुआत हुई है वो एक मुकाम पर पहुँचे। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू जी। हाँ बोलिए जी। जब धीरज जी ने मूबू टीवी के बारे में इतनी शुभकामनाएं दी हैं, हाँ, तो इतने वरिष्ठ व्यक्तित्व के मुँह से इतनी शुभकामनाएं आने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि चैनल सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा। मेरी शुभकामनाएं इन सबके साथ। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर। सी मूबू, अगर आप वो चैनल का नाम सुनते हो तो इट्स लाइक MUBU, उस लेटर्स में इतना डिफरेंस है, सो डेफिनेटली आपको बहुत मसाला देखने मिलने वाला है, बिकॉज वन इज कम्प्लीटली ऑल अबाउट रिटर्न्स ऑफ स्कूल एंड द सेकेंड इज सास बहू का सीरियल, तो इट्स गोना बी जस्ट अमेजिंग, ऑल मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट चैनल्स यू गोना सी इन जस्ट वन चैनल, दैट्स मूबू। हर भारतीय का सपना पूरा होगा, सो जस्ट बी हैप्पी गाइज। फ्रेंडशिप डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो सब मेरे घर पे आ जाते हैं, वी एंजॉय लॉट, वी कट केक, देन वी गो आउट, वी सेलिब्रेट, सो यही होगा इस साल भी डेफिनेटली। थैंक यू, बाय बाय। इट्स अ रियली रियली क्यूट नेम एंड सुपर्ब नेम, एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैनल। एंड हम लोगों ने कुछ प्रोमोज देखे, right, it is like, and we loved super. It we loved it, we actually amazing, it's really a good and unique name, I think people will love it, and our wishes are with Mubu, lots of happiness, success and success. बहुत
अच्छे और डिफरेंट परफॉर्मेंस हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से, और हमें लगता है कि जो दिखा उससे भी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि इतना अच्छा दिखा है तो मुझे लग रहा है कि चैनल भी बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये चैनल बहुत धमाका करने वाला, बिल्कुल बिल्कुल सुपर वाला, वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपको देखना है सबसे पहले सबको गुड इवनिंग एंड ये जो हिंदी चैनल है हमारा इंडियन चैनल है, बहुत सारे चैनल्स ऑनलाइन है, नेटफ्लिक्स है, सारे बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स है, इन लोगों ने बहुत सारे नए कलाकारों को चांस दिया है, अभी मैं लॉन्च देख के आई, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू एक्टर्स एंड न्यू कैरेक्टर्स, न्यू शोज, कुछ बच्चों के स्कूल के ऊपर कुछ शो है, सो इट इज़ नाइस, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेक्नीशियंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्टर्स को मिलेगी, प्रोड्यूसर्स को मिलेगी, अंदर इंटीरियर्स गाँव में दिखाई जाएगा ये चैनल, सो आई एम वेरी हैप्पी, ऑल द बेस्ट टू मूबू टीवी, उन लोगों ने मुझे एक छोटी सी ट्रॉफी दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दैट, एंड आई वॉज ग्लैड टू शेयर माई बचपन की स्टोरी, सो या थैंक यू, या थैंक यू, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और मुझे लगता है कि इंटरटेनमेंट में जिस तरीके से सब टीवी ने जितना जो है आज भी हर घर में देखा जाता है वैसे ये भी चलेगा, और आजकल जो है वो इंटरटेनमेंट चाहिए तो ये चैनल जो है वो सब कुछ लोगों को देगा जो उनको चाहिए। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू मूबू चैनल, और जो टाइटल है, जो नाम है चैनल का, मूबू, क्यूट है, और मुझे लगता है इसको बच्चे भी बहुत प्रेफर करेंगे, एंड इट्स अ फैमिली चैनल जो फैमिली लोग देखेंगे, और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, राइटरों को काम मिलेगा, आप लोगों को काम मिलेगा, बात तो मानसी भाई हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, दूसरा कुछ बातें चल रही हैं जब हम लोग आए भी हैं, मैं तो चाहता हूँ कॉमेडी कुछ अलग चल रहा है आजकल, भाभी जी घर पे चीज़ें चलते हैं तो कुछ दल से कुछ चीज़ें आएँ, सबसे पहले तो बेस्ट विशेज मूबू टीवी को, आज के डिजिटल दौर में एक चैनल का लॉन्च होना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत हिम्मत वाला काम है, तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा, बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, प्रोमो लगा इनका, तो आई एम श्योर कि ये बूम करेगा काफ़ी आज के दौर में जी, करेक्ट, और वो बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं बेसिकली, करेक्ट, नॉर्थ बेस्ड हो चुका है चैनलों पे, मैं बिजनौर का हूँ तो मेरे हिसाब से नॉर्थ का, चाहे वो हरियाणवी है, चाहे वो यूपी लैंग्वेज है, चाहे वो बिहार से है, वो शोज बहुत अट्रैक्ट करते हैं यूथ को, क्योंकि डिफरेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, रियल होते हैं, सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रोग्राम अच्छे बनेंगे और अच्छी विजिबिलिटी होगी तो मुझे लगता है डेफिनेटली, थैंक यू, लाइक ऑब्वियसली वी हैव सो मेनी अरे ऑफ द मेन channels that we see, but what is this channel, what is this channel going to be about, or comedy, is it going to be about teaching something, is going to be entertaining, what, so obviously we have great expectations when a channel opens, and we want to wish them all the best also, because it's their first day, do you want to say something? Yeah, I just wish everyone belonging to the channel, and the people who put in hard work and sweat and blood to make different shows, all the very best, one more channel amongst the 10,783rd channel, so I just wish that the competition is more, there is more work for everyone, and it's just a boon to our industry to have so many channels now and with great content, so all the best guys and all the best to Mubu the channel. Mubu, jo naam kaafi unique hai, kya expect kar rahe ho channel se, kya kuch hone wala hai? I think Mubu, what does Mubu stand for? What does it stand for? It is actually unique, a name so that, you know, people just catch on to the name rather than having a, you know. Mubu matlab, they must have got confused. Mumbai bolu ya Bombay bolu, so Mubu. Yeah. I think har Bharatiya ka sapna hai ki hamara desh swachh rahe. So I don't know whether this channel is going to show something about that. But yeah, I don't know whether it's Har Bharat ka sapna. Let's see ki ye kya sapna dikhate hain. Yeah. Friendship day aane wala hai. Dusra kya kehne ka aap celebrate karte hain friendship day. Friendship day. To matlab main
इधर आ जा। Oh my ये God. दोनों दोस्त हैं मैं। वेल फ्रेंडशिप डे में मैं बिलीव करती हूँ या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं फ्रेंडशिप में डेफिनेटली बिलीव करती हूँ। आई थिंक हम लोग तकरीबन 25 साल से फ्रेंड्स हैं, सो दैट सेज इट ऑल कि हम लोग फ्रेंड्स में कितने बिलीव करते हैं। एंड ऑलमोस्ट हर चैनल में काम किया हुआ है। या सो होपफुली वी डू समथिंग फॉर दिस चैनल आल्सो। तो किस तरह की मेमोरीज आप लोगों के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं इनके बचपन में नहीं था, मैं बहुत बाद में आया। और मैं भी इनके बचपन में नहीं थी। बुढ़ापा काफ़ी है इनके साथ बिताने। नहीं बट इट इज़ ऐसा ही माहौल था बहुत साल पहले जब हमने पहली बार जब काम किया था और एक चैनल के लिए काम किया था, तो ऐसा ही एक्साइटमेंट एक्साइट थ्रिल था। एंड होपफुली आई प्रे लाइक यू नो एंड ऑल आर ब्लेसिंग्स टू मूवी चैनल दैट दे रियली डू गुड एंड कम अप विद सम रियल गुड प्रोग्राम्स। थैंक यू। जब आज के डिजिटल ज़माने में एक और नया टीवी चैनल आया है तो मतलब पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टेलीविजन एंड नया चैनल मतलब जितने भी और एक्टर्स हैं टेक्नीशियंस हैं सबके लिए और काम मिलेगा एंड कंटेंट जो है क्वालिटी जो है अगर सही रही तो फिर डेफिनेटली ये भी लंबे रेस के घोड़े रहेंगे। तो आप कोई शो में नजर आएंगे ऐसा कुछ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है, आई हैव टू जस्ट कम बिकॉज इन्वाइट था तो हम इसलिए आए हैं, बाकी काम तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे होता है। नॉट राइट नाउ, कपल ऑफ मूवीज बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोड्यूसर्स टू मेक द ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिर मैं बोलूँ। थैंक यू। मेरी मिश्रा है, मैं बेसिकली यूपी से हूँ लेकिन मैं पली बड़ी हूँ कैलकटा में और अब काम कर रही हूँ मुंबई में। शो मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ एक दिन के काम के लिए, फिर मुझे इनके प्रोडक्शन में काम मिल गया, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया इनके फर्स्ट शेड्यूल में और अब मैं इनके जो लीड कैरेक्टर्स है उसमें अब एक वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स हूँ। तो ऐसी मेरी जर्नी रही है इन लोगों के साथ। देखिए सही और गलत तो मुझे नहीं पता लेकिन बस अब शुरुआत कर दी है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जो हमारी कास्ट है, पहली बात तो हमारा ये जो बेस है जो टॉपिक है इस सीरियल का वो इतना अच्छा है, इतना रिलेट करने लायक है कि हम वैसे ही घुल मिल जाते हैं, तो हमें अलग से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा हर वक्त स्कूल ड्रेस में या ऐसे ही हर वक्त मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई एक दूसरे के साथ है ना कनेक्ट होने में, घुलने मिलने में, तो बहुत आसानी हुई काम करने में। सॉरी मैं ज़्यादा टीवी सीरियल्स नहीं देखती, मैं मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ वो भी थिएटर्स में जाके, बट अब आई थिंक मुझे हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कौन सा सीरियल टॉप पे है, कौन अच्छे एक्टर्स है, क्या सीरियल चल रहा है मार्केट में, तो मैं अब ज़रूर फॉलोअप करूँगी। थैंक यू सो मच। कोमल कुंदर एंड इन दिस सीरियल आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अंकिता श्रीवास्तव, शी इज़ द जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, वेरी फोकस्ड, हमेशा उसको लीड करना अच्छा लगता है और उसके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट उसके एथिक्स और उसके वैल्यूज़ है। शी इज़ अ गर्ल विथ अ मिक्सड इमोशंस, बाहर शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट वूमन बट अंदर ही अंदर शी इज़ अ मच्योर इमोशनल वूमन, सो ओवरऑल द कैरेक्टर इज अंकिता श्रीवास्तव। थैंक यू। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट और वैसे भी आजकल न्यू कवर्स को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आई विल ट्राई, मैं अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगी, जितनी हो सके उतनी मेहनत करूँगी एंड आई विल मेक माई स्टेप ओवर दैट। हर किसी अभी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश चैनल्स है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होने से पहले उन्होंने भी कभी ना कभी शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक मोटिव रखा था कि वी हैव टू कम्पीट विद ऑल अदर चैनल्स, तो जैसे उन्होंने रखा था वील ऑल्सो कम्पीट विद ऑल अदर चैनल्स एंड वील रीच ऑन द टॉप। हेलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो मेरी तरफ से मुगू टीवी को और आप सबको, और मेरा नाम मयंक शेखर है, मैं रिटर्न ऑफ स्कूल डेज में अभिषेक मुखर्जी का रोल कर रहा हूँ और ये जो कैरेक्टर है एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर है,
तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा नर्डी भी है और कभी कभी टेम्पर भी लूज़ कर देता है तो, और फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा एंड कमिटमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोगों का प्यार मिलता है इस तरह से। थैंक यू सो मच। सो मुगू चैनल लॉन्च के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ बॉलीवुड मूवी अदृश्य में जो 3 अगस्त को आ रही है। तो आप लोग सब इस प्यारे से मूवी को देखें, बच्चों की कहानी है, पिंच ऑफ हॉरर है, अपने फुल फैमिली के साथ देख सकते हैं, बहुत प्यार से बनाई गई संदीप चैटर्जी की मूवी है। मेरा नाम निशात मलिक और आई एम डेब्यूटिंग ऑन 3 अगस्त विद द मूवी अदृश्य। मूवी टीवी, पहली बार तो नाम ही इतना अलग है, और दूसरी बार नईम वारसी सर एंड मनीष श्रीवास्तव, दे हैव डन सच अ गुड जॉब आई गेस। और मूवी टीवी इज़ लाइक हर भारतीय का सपना, हमारा टाइटल ही बहुत यूनिक है, और देखते हैं हमें कितना प्यार मिलता है जनता से। मैं रिटर्न ऑफ स्कूल डेज में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, बेला बोस का। मैं साउथ के प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ, और देयर इज़ वन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी ऑल्सो, बट इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज अबाउट इट। आई डिस्क्लोज इट आफ्टर 2 to 3 months इन माई दैट इंटरव्यू। थैंक यू। सब पैसा कमावे और आप दोस्त लोगों को वहाँ भी बहुत बड़ा काम और मिले, इसलिए थैंक यू। मेरा 4th ब्राइट अवार्ड नाइट है जो 25 सितंबर ट्यूसडे को NSCI डोम में है, डोम NSCI वर्ली में, जिसमें 50-60 फिल्म स्टार आने वाले और बहुत से ऑर्केस्ट्रा, कॉमेडी परफॉर्मेंस लाइव, और संजय दत्त, रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन और बहुत से 50-60 फिल्म स्टार आने वाले हैं और बहुत बड़े पैमाने में शो हो रहा है। और मेरा बर्थडे भी है, प्लस मेरा ब्राइट अवार्ड नाइट 4th है। आपने आगे 3 की झलक तो देखी है जिसमें शाहरुख, ऋतिक, रणवीर और बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ बहुत सिंगर्स और कॉमेडियंस और एंटरटेनमेंट्स का जलवा रहता है। तो लोग मुझे पूछते हैं कभी आपका ये पार्टी है, तो बहुत जल्दी 25 सितंबर। थैंक यू। मुझे अभी तक सिर्फ मतलब 2000 से भी ज़्यादा टाइम अवार्ड्स और स्टेज पे फेलिसिटेशन किया है और स्पेशल सम्मान दिया है, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस लायक हूँ। थैंक यू। नाम है कल्याणी। मूवू एंटरटेनमेंट, मूवू टीवी एक नया चैनल आ रहा है और इसमें एक सीरियल आ रहा है रिटर्न ऑफ स्कूल डेज, ये हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल है, और रिटर्न ऑफ स्कूल डेज में मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आपने जैसे प्रोमो देखा होगा, ये 12 स्टूडेंट्स की कहानी है, उन 12 स्टूडेंट्स में मैं हूँ। मेरा प्रीति का कैरेक्टर है, मैं प्रीति नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और मैंने फिल्म्स एंड ऑल सब किया है, मराठी इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया है, लेकिन हिंदी एंटरटेनमेंट मतलब हिंदी चैनल पे ये मेरा पहला शो है और मैं हिंदी सीरियल में फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हिंदी सीरियल हर किसी का सपना रहता है, जब छोटे गाँव से कोई आता है तो हर कोई चाहता है एक सीरियल में काम करे या छोटा मोटा टीवी पे कहीं दिखे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। और आई होप कि नया चैनल है, नया सीरियल है, सीरियल का स्टोरी बहुत अच्छा है, थोड़ा अलग है बाकी स्टोरी से, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्कूल की कहानी है, हमारी कहानी है, हम सबसे जुड़ी हुई कहानी है, स्कूल की कहानी है, इसलिए तो आप सब देखिएगा और हमें प्रोत्साहन दीजिएगा। धन्यवाद। सब लोग होते हैं बर्थडे पे, तो बोले मनीष तो हमेशा होस्ट करता है इनका, बोले मनीष और तुम होस्ट करना, मनीष और मैं, हाँ मनीष मैंने मैं उनकी बात कर देंगे। तो इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग, मनीष जी से मेरी मुलाकात हुई जो मूवू टीवी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। एक आध बार फ़ोन पे मेरी बात हुई उनसे, तो एक होता है ना चैनल वालों से तो हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन चैनल वाले का कुछ अलग ही सिस्टम होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया है। तो लेकिन मनीष जी के साथ वो जस्ट सो फ्रेंडली, और दूसरी बात, मैं इनके ऑफिस गया, मैं इनके सब स्टाफ से मिला, इनके एक्टर से मिला, ये जो स्टेज पर आज बता रहे थे लोगों को कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, और वो वाकई वैसा है, ये उनमें से नहीं है कि आप एक फैमिली बना के और फिर यू नो बाद में लोग जब पलटता है तो फिर कुछ और ही हो जाते हैं, बट ही हैज़ एक्चुअली मेड अ फैमिली। सो
हम सब की बेस्ट विशेज हैं फॉर मुबू टीवी। बड़े सारे चैनल कलर्स भी ऐसे ही नया नया आया था, हम लोगों ने देखा एंड टीवी जब आया था तो मैंने फर्स्ट शो किया था, शाहरुख सर का एक शो था और मेरा किलर कैरियोके आता था उस पर, तो उसकी भी शुरुआत हुई, लेकिन आज एंड टीवी हो गया। तो मैं यही विशेज देना चाहूँगा कि मुबू टीवी भी ऐसे ही, जो शुरुआत हुआ है कल से ये लॉन्च हो रहा है, इसके दो नए शोज आ रहे हैं, एक रिटर्न ऑफ स्कूल डेज आप देखेंगे जो हम मेरे को भी बहुत पसंद आया पर्सनली, मैंने सर को बोला दैट्स अ वंडरफुल शो एंड इट्स अ वंडरफुल टीम ऑफ ऑल द एक्टर्स हु हैव डन वंडरफुल जॉब। सब नए लोग हैं लेकिन आप देखेंगे कि बहुत मैच्योर परफॉर्मेंसेज दिए हैं कोमल ने और अमित ने और सभी लोगों ने, ऑल द होल टीम, और वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे जैसा कि सर ने बताया, तो बोलते हैं ना जब रियल लाइफ किस्सा होता है तो वो ज़्यादा दिल को छू जाता है, और टेलीविज़न ऐसा मीडियम है हमारा इंडियन टेलीविज़न, आज भी आप इंग्लिश टाइप का शो लाओ तो यहाँ वर्क नहीं करता, यहाँ पर वही सब चीज़ें चलेंगी जो बहुत इंडियनाइज है, जैसे हमारा शो भी हम करते हैं, लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से लेकर आओ जो स्टैंड अप करता है या कदर, यूट्यूब वाले आपने देखा चैनल पे बहुत आए और बहुत चले गए, तो बहुत कुछ ही लोग टिके हुए हैं जो बहुत इंडियनाइज चीज़ दे सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ स्कूल डेज मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही एक बहुत इंडियनाइज शो है जो पीपल विल लव टू वॉच। जी, स्कूल डे की कितनी यादें आपको ताज़ा हो जाती हैं और दूसरा है कि फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है, तो पहले तो ये स्कूल डे में तो मैं तो बहुत मस्करी वाला था, मैं तो BST बस में मेरे को जू से, मैं सेंट लॉरेंस स्कूल में था सेंटा क्रूज में, तो हमारे वो एरोप्लेन वाला पार्क था बगल में, नहीं है उसके, तो हम तो पार्क में होते थे ज़्यादा टाइम के, स्कूल वूल में नहीं। फिर बाहर एक लड़की को बहुत क्रश था मेरा, तो मैं सुनैना नाम था, हाँ मुझे याद है, साउथ इंडियन लड़की थी, तो मैं उसका वेट करता था, वो आती थी तो मैं उसको देखता ही रहता था बस, फिर कभी बात नहीं की है मैंने कभी भी नहीं, फिर ऐसा हो गया, फिर बाद में अलग फंस गया मैं। फ्रेंडशिप डे मुझे कल ही फ़ोन आया, बोले क्या वो पेपर के लिए, तो फ्रेंडशिप डे पे मैंने भारती का नाम दिया, मैंने भारती वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, अभी तो खतरों के खिलाड़ी में, शायद मैं भी जाऊँ अभी, रोहित सर ने बुलाया है, हाँ तो शायद मैं भी चला जाऊँगा अभी, तो मैं तो खुला बोल रहा हूँ यार सब, क्या ठीक है ना, हाँ तो भारती मैं वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स कहूँगा, भारती को मैं कॉमेडी सर्कल जब हमने शुरू किया तब से जानता हूँ, एंड शी इज़ ऑलवेज स्टूड बाई मी, मेरे लाइफ में भी जैसे सर बोल रहे थे उतार चढ़ाव में जो लोग होते हैं वही आपके दोस्त होते हैं, तो मेरे फादर एक्सपायर हुए अभी 2-2.5 साल पहले, आप लोग जानते हैं, तो भारती तब भी मेरे साथ खड़ी रही, मुझे स्टेज पे भी संभालती है, कॉमेडी नाइट्स कपिल का शो हमने टेक ओवर किया, हम इतने घबराए हुए थे कैसे होगा, वो वहाँ भी भारती ने संभाला, कॉमेडी नाइट बचाओ भी संभाला, बड़े सारे शोज जो हैं स्टेज पे भारती ने मुझे संभाला, आई थिंक शी इज़ अ ट्रू फ्रेंड टू मी। अरे तो बहुत अच्छी बात है, चैनल तो लॉन्च होने चाहिए, जितने चैनल लॉन्च होंगे उतने शोज आएंगे, मनीष जी जैसे लोग, नरशी वसानी सर जैसे लोग जो चैनल लॉन्च करें, इट्स गुड फॉर एक्टर्स, गुड फॉर ऑल द पीपल टेक्नीशियंस, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोना वर्क, एक्टर्स को एक टाइम था जब एक्टर्स के पास इतना काम नहीं था, आज हर एक्टर के पास बहुत काम है क्योंकि चैनल्स बहुत आ गए हैं, बहुत सारे शोज बन रहे हैं एंड लोग देख रहे हैं वो शोज़, तभी इतने सारे चैनल लॉन्च हो रहे हैं, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग दे ऑल आर डूइंग फॉर द कंट्री एंड फॉर पीपल। हॉटस्टार है राइट, इट्स अ बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ थिंग, बिकॉज टुडे अभी सब डिजिटलाइज हो रहा है, लोग अभी टीवी पे ज़रा कम जा रहे हैं, जब से टाटा स्काई आया था फिर भी रुका के लोग रखते थे कि रात को बैठ के देखेंगे, बट फिर भी मैं मेजरली नहीं कहूँगा जो के सब लोग डिजिटल पे ही जा रहे हैं, यूथ जो है वो ज़्यादा डिजिटल से जुड़ा हुआ है, जाकि फैमिलीज हैं आई थिंक वो अभी भी घर पे बैठ के लेडीज़ जो है ना वो भी टेलीविज़न देखना ही पसंद करती हैं रादर देन गोइंग डिजिटल। आप देखोगे अगर कोई माँ बच्चा होगा वही रात को मदर को यू नो टीनेजर होगा या कॉलेज स्टूडेंट होगा वो डिजिटली दिखाएगा मदर को कि ये वाला शो आपने मिस किया या ये वाला एपिसोड आपने मिस किया, बट द मदर वुड एक्चुअली वॉच टेलीविज़न। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टेलीविज़न ख़त्म हो जाएगा, टेलीविज़न कभी मर नहीं सकता, डिजिटल बढ़ सकता है, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए, बट टेलीविज़न वुड नेवर एंड। जी, कृष्णा
जी एक आखिरी सवाल हम सब की तरफ से ये, हाँ कपिल ठीक है, हाँ कौन सा कपिल का नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं कपिल और मैं अब दोनों, मैं अभी कपिल को मैं हक करना चाहूँगा डेफिनेटली, और हम एक डेढ़ महीने में, हाँ आप पक्का देखेंगे, और मैं उसको मिला भी था जाके, एंड आई वॉन्ट दैट ही शुड गेट वेल एंड ही शुड कम बैक, बिकॉज मैंने हमेशा उसके लिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि टाइगर जो है सो रहा है, फिर जब टाइगर उठेगा ना तो फिर सब चूहे वूहे भाग जाएंगे, इधर जंगल से भाग जाते हैं, तो वो ही शुड कम बैक, एंड आप सब लोग उसके लिए विश करिए कि, हाँ चूहे बहुत होते हैं यार इधर, हम भी निकलते हैं, हाँ डेफिनेटली सर, अरे पूरा कंट्री चाहता है कि हम लोग सब साथ में आ जाएं, कि एक ही शो बन जाए, वो राइवल शो हो ही ना, तो कम से कम ये चारों को डाइजेस्ट तो कर पाएंगे लोग साथ में एक साथ, है ना, एक होता है ना आप कुछ शो में एक को दो को डाइजेस्ट करते हैं बाकी दो को नहीं कर पाते, हंसी के लिए लोड पर और बढ़ जाएंगे अगर आप लोग सब साथ में, सब साथ में आएंगे, इट वुड बी वंडरफुल, मतलब आप अभी एक अलग से जैसे दबंग बनी, रावड़ी राठौड़ बनी, तो ये कभी खुशी कभी गम बन जाएगी, जो टेलीविज़न के इतने सारे लोग जिन्होंने एक्चुअली इतने हम लोगों ने 10-12 साल हो गए जो इतने सारे शोज हमने वर्क कराए हैं टेलीविज़न पे, तो अगर सब साथ में आ गए तो इट वुड बी वंडरफुल, बिल्कुल मैं उसके साथ करूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो आए और एकदम जमा के करे, और मैं भी उसके साथ करूँगा, नहीं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन प्लानिंग हो जाए, हो सकती है प्लानिंग, हाँ हाँ वो भी हमारी बीच में बात चली थी, एंड मॉल के साथ हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी हम जल्दी, हमारा शो महीने डेढ़ महीने में आ जाएगा, क्या पता मूवी टीवी पे हम कर लें, एक्चुअली मनीष सर से भी मेरी बात हुई है एक्चुअली में, कि हम एक कॉमेडी शो जो है वो लेकर आएँ, मनीष जी इंटरेस्टेड थे साथ में करने के लिए, नहीं सच्ची में, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वेरी 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 ग्रेट थैंक्स टू कृष्णा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने इनको बुलाया था, और मेरी जब फर्स्ट टाइम इनसे फ़ोन से बात हुई थी तो ये बहुत बिजी थे, इनसे अनफॉर्चुनेटली एक ही बार बात हुई, उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई थी, पर फिर जब मैं इनसे मिला और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई ना, तो ये लगा कि नहीं ये शो अगर इसकी होस्टिंग कोई कर सकता है तो कृष्णा ही है, और कोई नहीं कर सकता, और सुगंधा वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन एज अ को एंकर फॉर अस, तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छे इंसान हैं, समझदार हैं, समझने वाले हैं, और सबसे बड़ा है कि दिल के बहुत अच्छे हैं, तो इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, और रही बात साथ में शो करने की, कॉमेडी शो लाने की, और जो आप लोग के अभी जितने सारे क्वेश्चन हो रहे थे उसके जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, थैंक यू मीडिया, आप लोगों को थैंक्स यार, आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं, प्लीज़ इंजॉय करिए, हैव योर डिनर, वेरी नाइस आंसर, मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।